तो आर्थिक दिवालियापन हो जाएगा। गरीबों की मदद करने से केंद्र के लोग बोलते हैं आर्थिक दिवालिया हो जाएगा, तो कहते हैं मानसिक दिवालिया हो जाएगा। मैं समझता हूं सच्चे मन से जो गरीब है, जो नौजवान है, उसकी मदद हम करते हैं तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए और इतना बड़ा खजाना हमारे पास है कि हम गरीबों के नौजवानों की मदद करें। जब चुनौती का समय आया, जब मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, तो यहाँ के 36 कौम के लोगों ने, इस मिट्टी के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर इस लायक बनाया कि मेरी आवाज में बुलंदी आ सके। उस पे ना मैं पहले कभी पीछे हटा हूं ना आगे हटने वाला। कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति करने का समय बहुत पहले भी था, आगे भी होगा। आज तो हम उस दिवंगत आत्मा को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और जो प्रेम आपकी आंखों में दिख रहा है, उस प्रेम को मैं अपना आशीर्वाद मानता हूं, और आपका जो आशीर्वाद है वो मेरे हाथ में। वीरेंद्र सिंह जी, सुरेश मोदी जी, जी आर खटाना साहब, राकेश पारिक साहब, मुकेश भागवत जी, रामनिवास गाबरिया जी, प्रशांत बैलवा जी, इंदिराज जी, राहुल चौधरी साहब, कृष्णकिशोर शर्मा जी, पूर्व विधायक महेंद्र मीणा जी, विद्याधर जी, सुरेश चौधरी जी, बड़े नौजवान और जुझारू राम प्रताप मीणा जी, प्रधान साहब, मंच पर सभी नेतागण, किसी का नाम अगर मैं भूल गया हूँ तो क्षमा करें। आज से 23 साल पहले स्वर्गीय पालेक साहब का इसी धरती में, इसी रोड पर जब एक्सीडेंट हुआ और हमारे बीच में वो नहीं रहे, श्रद्धांजलि सभा में मैं जब प्रार्थनाएं सुन रहा था तो मेरे मन में बहुत से विचार आ रहे थे। वो दृश्य मुझे याद आ रहा था आज से 23 साल पहले का। मैं 22 साल का था और उनके जाने से जो एक कमी इस क्षेत्र को, हम सबको, परिवार को हुई, उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, इस बात का संतोष है कि इस क्षेत्र की जनता ने, आप सब लोगों ने मुझको, मेरे परिवार को 23 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, और इन 23 सालों में बहुत कुछ हम लोगों ने देखा, बहुत सारे अनुभव हमारे रहे। लेकिन एक बात जो मैंने 23 साल पहले खुद को कही थी, अपने आप को कही थी, उस बात पर मैं पहले भी अमल था और आज भी अमल। राजेश पायलट जी ने अपने जीवन में फौज की नौकरी करी, लड़ाकू विमान चलाए, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, और राजनीति में भी अपनी बात को मुस्तैदी से, मजबूती से हमेशा रखा। इसलिए चाहे वो पद पे रहे हो ना रहे हो, लेकिन उनकी बात को सुनने वाले इस देश के करोड़ों लोग थे। उस प्रकार की राजनीति आज इस देश की जरूरत है। बेबाकी से बोलना, सच्चाई ईमानदारी का समर्थन करना, विपरीत परिस्थितियों में भी समझौता ना करना, ये स्वर्गीय पायलट साहब ने हमको सिखाया। गरीब घर में पैदा होकर मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली था, जब मेरा जन्म हुआ तो पायलट साहब एयरफोर्स के अधिकारी थे, अच्छी तनख्वाह थी, हमारा पालन पोषण बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब वो छोटे थे, 8-9 साल की उम्र में उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, 3 बहनें थीं, गांव में कैसे कैसे इकट्ठा कर पढ़ाई के पैसे, घर वालों को पालन पोषण के पैसे, बहनों की शादी के पैसे, उन तमाम कठिन परिस्थितियों से निकलकर उस तप में तपने के बाद उन्होंने जीवन में फौज में नौकरी करने के बाद राजनीति को चुना। गरीब परिवारों को संभालने के लिए, उनके जीवन में उम्मीद पैदा करने के लिए, उनके रास्ते आसान बनाने के लिए हम अपने राजनीतिक जीवन में कुछ करें। 19-20 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, और राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान से,
अपने आदर्शों से, अपनी सोच से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और इसलिए मैं मानता हूं कि आज भी देश प्रदेश में, हर धर्म हर जाति में उन्होंने अपनी कार्यशैली से, अपनी राजनीति से एक मिसाल छोड़ी। आज हम सब लोग जो राजनीति में हैं, अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन सामूहिक जो उद्देश्य है वो राजनीति में स्पष्ट होना चाहिए। और मेरा राजनीति में बड़ा स्पष्ट है, हम चाहते हैं कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति स्वच्छ राजनीति हो, इसमें भ्रष्ट लोग और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। हम चाहते हैं कि राजस्थान देश के अंदर किसानों और नौजवानों की उम्मीद को तोड़ ना सके। भविष्य के प्रति अगर हम उम्मीद से देखते हैं, हमें ऊर्जा आती है। भैया इधर से चला लो थोड़ा। अगर भविष्य में हमें निराशा दिखती है तो मन नहीं करता मेहनत करने का। नौजवान के मन में अगर निराशा आती है तो देश में प्रगति होना संभव नहीं है। और आप सब जानते हो, मुझे भी राजनीति में आज 20-22 साल हो गए। मैंने हर मोर्चे पर, हर जगह, पक्ष विपक्ष, हमेशा नौजवानों के हितों की बात की है, उनके हितों की रक्षा करने की बात की है, उनके जीवन को बेहतर बनाने की बात की है। इधर से बनाओ, साथियों, पायलट साहब की पुण्यतिथि है और मैंने उनकी पुण्यतिथि के रोज पिछले 22-23 साल से हमेशा आपके बीच में, आप लोग आए, आपका असीम आशीर्वाद और प्रेम हम लोगों को मिला। आज इस मौके पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति करने का समय बहुत पहले भी था, आगे भी होगा। आज तो हम उस दिवंगत आत्मा को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और जो प्रेम आपकी आंखों में दिख रहा है, उस प्रेम को मैं अपना आशीर्वाद मानता हूं, और आपका जो आशीर्वाद है वो मेरे हाथ में दिख रहा है। इस दौसा की धरती में आप सब लोगों ने हमेशा मुझे ताकत और संबल दिया। जब चुनौती का समय आया, जब मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, तो यहाँ के 36 कौम के लोगों ने, इस मिट्टी के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर इस लायक बनाया कि मेरी आवाज में बुलंदी आ सके। उस पे ना मैं पहले कभी पीछे हटा हूं, ना आगे हटने वाला। राजनीति में बहुत से लोग आते हैं, कोई प्रधान बनता है, कोई प्रमुख बनता है, कोई सांसद बनता है, विधायक बनता है, सत्ता में, विपक्ष में, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े पद हैं, आए लोग चले गए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, हम किसी पद पे हो या ना हो, लेकिन जनता हमको तोल कर रखती है हमेशा कि तुम कहते क्या थे, करते क्या थे। मेरे लिए जनता के बीच में हमारी विश्वसनीयता सबसे पहली प्राथमिकता है। जनता का विश्वास, जनता के वादे और जनता की विश्वसनीयता, ये सबसे बड़ी पूंजी है राजनीति में। और पिछले 20-25 सालों में जब से मैं राजनीति में हूं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस विश्वास में कहीं आपको लगे कि कोई कमी आ गई। और आने वाले समय में भी आपका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। उस विश्वास में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा, मैं आपको वादा करता हूँ। साथियों, अब तमाम साथी यहाँ पर आए हैं और पायलट साहब को सलाम नहीं दे रहे, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, जो राजनीति आज देश प्रदेश में है आपके सामने, हमारी जो केंद्र की सरकार है वो बोलती है कि अगर लोगों को कुछ सहायता मिलती है तो आर्थिक दिवालियापन हो जाएगा। गरीबों की मदद करने से, केंद्र के लोग बोलते हैं आर्थिक दिवालिया हो जाएगा, और मैं बोलता हूं कि जिन नौजवानों के साथ अगर कहीं धोखा हुआ है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनकी मदद हम करते हैं भाई, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो कहते हैं मानसिक दिवालिया हो जाएगा। मैं समझता हूं सच्चे मन से
जो गरीब है, जो नौजवान है, उसकी मदद हम करते हैं, तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए और इतना बड़ा खजाना हमारे पास है कि हम गरीबों के नौजवानों की मदद करें। मैं साथियों, आप सब जानते हो, सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला, मैंने अपनी आवाज को हमेशा रखा। मैं बड़े अदब से, आदर से, सम्मान से और शिष्टाचार से अपनी बातों को रखता हूं और मैंने हमेशा दूसरों को सम्मान दिया है। मैं सरकार में था, हमारे कोटा में सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे राज में अगर कहीं कुछ कमी है, कुछ गलती है, तो बजाय इसके हम औरों को दोष दें, हमें उसको सही करना चाहिए। और मुझे खुशी बताते हुए आज कोटा में बच्चों के लिए इतना शानदार अस्पताल बन गया कि अब वहां मौतें नहीं होती। मैंने जब ये मांग रखी थी, मैंने अपीलें नहीं रखी थी, मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए नहीं रखी थी। मुझे लगा कि सैकड़ों बच्चों के, नवजात शिशुओं की मौत हो रही है, इस पर सब इतना बोल दें कि भाई पहले ज्यादा होती थी, अब कम हो रही है, एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। और आज कोटा में एक शानदार बच्चों का हॉस्पिटल बन गया, अब मौतों का सिलसिला जो था, भयानक क्रम था, वो समाप्त हो गया। इसलिए बात रखना, मैं समझता हूँ राजनीति बहुत जरूरी है, और बात रखने में मैं जनता की आवाज को सुनता हूँ, अपने अंतरात्मा को सुनता हूँ, और भगवान की असीम कृपा है कि जो मेरी अंतरात्मा बोलती है वही जनता भी बोलती है। इसलिए आज मैं आप सब लोगों का आभारी प्रकट करना चाहता हूँ, आप लोगों ने हमेशा हमारी बात को मान सम्मान दिया है और इस क्षेत्र का नाम पूरे प्रदेश और देश में रोशन है। आज इस स्वर्गीय पायलट साहब की मूर्ति यहाँ पर लगी है, मूर्तियां बहुत लगती है, अच्छी बात है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये प्रदर्शित कर दिखाया हो कि छोटे गरीब किसान के घर में जन्म लेकर उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, उन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद अपना दामन साफ रख सकते हैं, ये मैं समझता हूं एक राजनेता की सबसे बड़ी सफलता। अगर आरोप लगाता है तो उसको छेप आती है, और जैसे मैंने शुरू में कहा, पायलट साहब की राजनीति एक अनोखी राजनीति थी, और ये बात सही है, कभी कभी वो भी लटके झटके कर देते थे राजनीति, लेकिन उनका केंद्र बिंदु रहता था किसान की मदद, गरीब की मदद, बच्चों की मदद, ग्रामीण क्षेत्र लोगों की मदद, पूर्व सैनिकों की मदद, उनकी मदद हम कैसे करें, और उसी रास्ते पर हम सब चल रहे हैं। आज इस मूर्ति का अनावरण यहां पर हुआ है, मैं समझता हूं आने वाले कई सालों तक ये प्रेरणा का सूत्र रहेगा। मेरे साथ जो लोग राजनीति में काम कर रहे हैं जानते हैं कि मैं सबको साथ लेने की कोशिश करता हूं। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, 5 साल मेरे पास कोई मैं एमपी एमएलए नहीं था, लेकिन जनता ने मुझे हाथों हाथ वो हिम्मत और ताकत दी कि हम, जो हमारा विरोधी पार्टी, विरोधी दल है जो बहुत ताकतवर था, उसकी भी दांत हमने इकट्ठे किए। और मैं तो जब हमारी मुख्यमंत्री जी थी, उनका मैंने विरोध साल के 365 दिन किया, लेकिन कभी मेरे मुंह से कोई छोटी बात या कोई अपशब्द नहीं निकला उनके बारे में। महिलाएं उम्र में बड़ी हैं, लेकिन आज भी मैं कहता हूं, आपने खान आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना, उसका तो लिखा लिखा होना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि जो जांच किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांग रही है। I love you. आपस में कोई से संबंध रखें, हम आपस में कुछ भी बात रखें, लेकिन सबसे बड़ा न्याय देने वाला वो नीली छतरी वाला है। आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा किसी को। साथियों, बहनों, भाइयों, 23 साल के हर साल गाँव लोग आते हैं, मेरे पीछे राम प्रताप प्रधान जी बैठे हैं, मीणा साहब 22 साल पहले अधेड़ उम्र के थे,
आज बुजुर्ग हो गए, और जो पहले बच्चे थे 2-5 साल के, आज उनकी शादी में बड़े हो गए। तो समय जो बीता आपके साथ बीता, आप लोगों को देखते देखते हम लोगों ने राजनीति में बहुत कुछ किया, सीखा, समझा। लेकिन आप लोगों का जो पारिवारिक प्रेम है वो सबसे बड़ी पूंजी थी और सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, परिस्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, आप लोगों के लिए न्याय दिलाना, आप लोगों के लिए संघर्ष करना, ये वादा मेरा कल भी था, आज भी है और कल भी। हम आपके थे, आपके रहेंगे। आप लोगों ने जो एकजुटता, जो प्रेम हम सबको दिया, और खास कर आज यहाँ मंच पर हमारे साथी यहाँ पर आए हैं पायलट साहब को याद करने के लिए, मैं आप सबकी तरफ से इनका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपका यह प्यार और प्रेम हमेशा बना रहेगा। मेरे साथ जोरदार नारा देना, भारत माता की। कुछ छत पे खड़े नहीं बोल रहे, भारत माता की जय।